राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के बीच राज्यों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है। कल 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सांवलिया सेठ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा, सीएम गहलोत ने राजस्थान में मान लिया है कि भाजपा की सरकार बनने वाली है। गहलोत कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बने तो हमारी योजनाएं बंद ना की जाए। पीएम ने कहा कि हम उनकी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, उनमें और सुधार करेंगे, लेकिन मैं एक बात की गारंटी देता हूं कि जिन लोगों ने प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। ये मोदी की गारंटी है, गरीबों को लूटने वालों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। और आप सबको पता है कि मोदी की गारंटी का मतलब पूरा होने की गारंटी। उन्होंने कहा कि गहलोत सोते जागते और खाते पीते सिर्फ कुर्सी बचाने में लग रहे हैं और आधी कांग्रेस उन्हें हटाने में लगी है। साथ ही पीएम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश को लूटने में खूब एकजुटता दिखाई है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बहुत दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि आज जब अपराध की बात आती है तो राजस्थान टॉप पर आता है। अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी, महिला अत्याचार, दलित उत्पीड़न को लेकर राजस्थान बदनाम हो रहा है। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आपने इसीलिए राजस्थान को वोट दिया था। आगे पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों से झूठ बोलकर सरकार बना ली, लेकिन वो सरकार चला नहीं पाए। तो वही दूसरी ओर पीएम मोदी के भाषण का जवाब सीएम अशोक गहलोत ने अपने तरीके से दिया। सीएम ने कहा कि आपकी पूर्व की भाजपा सरकार ने मेरी योजनाओं को रोका था। सीएम ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि 2008 और 2013 के बीच की योजनाओं और परियोजनाओं को हमने शुरू किया था, जिसे 2013 के बाद भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था। सीएम ने कहा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। राजस्थान की सरकार को एहसास है कि उनके हित और अधिकार की योजनाएं सिर्फ हमारी कांग्रेस सरकार में सुरक्षित है। इस बार होने वाले विधानसभा चुनावों का असर लोकसभा 2024 के चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इन चुनावी नतीजों का असर 2024 में देखने को मिल सकता है। इन कुछ वजह से हर पार्टी मैदान बनाने में जुटी हुई है। पीएम मोदी वैसे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश को सौगातें दे रहे हैं, मगर इसे चुनाव के एंगल से भी देखा जा रहा है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।